नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 29 मई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 149 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 3,185 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो नवादा में 10, भागलपुर में 17, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 20, पूर्णिया में 12, खगड़िया में 5, पटना में 14, गोपालगंज में 2, सुपौल में 3, सिवान में 5, गया में 12, नालंदा में 13, कैमूर में 4, मुजफ्फरपुर में 3, ईस्ट चंपारण में 11, वैशाली में 4, सारण में 5, अरवल में 1, भोजपुर में 7 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1,050 पर। कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच बिहार में ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते दिन तक 1,050 लोगों के ठीक होने की खबर सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बिहार लौटे 2100 से ज्यादा प्रवासी व्यक्ति निकले कोविड-19 पॉजिटिव। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो अब तक राज्य में वापस लौटे 3 मई से अब तक 2168 प्रवासी व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार में संक्रमित मामलों की संख्या 3100 के पार पहुंच गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार में आए प्रवासियों की जांच में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। बिहार में कोविड-19 से 16वें व्यक्ति की गई जान। बिहार में कोविड-19 से 16वें व्यक्ति की जान चली गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के बाद मिली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार एक और व्यक्ति की कोविड-19 संक्रमण के कारण जान चली गई है। जान गंवाने वाले व्यक्ति भोजपुर जिले का रहने वाला है। इसके साथ ही भोजपुर जिले में कोविड-19 से जान गंवाने का यह पहला मामला है, जिसकी पुष्टि भोजपुर जिले के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने भी की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार यह मरीज हाल ही में महाराष्ट्र से वापस लौटा था। बिहार में परिवहन विधि विभाग में क्लर्क की होगी बहाली। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 13 एजेंटों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें विधि विभाग और परिवहन विभाग में 560 पदों पर आवेदनों की मांग की गई है। खबरों की माने तो विधि विभाग द्वारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में सहायक संवर्ग के विभिन्न कोटि के 357 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं नीतीश कैबिनेट में परिवहन विभाग में भी 163 नए पदों पर सृजन की स्वीकृति दे दी गई है, जिस पर बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवाने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों की गर्मी छुट्टी हुई कैंसिल। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण दुनिया भर में बंद का माहौल है। इसी क्रम में शिक्षण संस्थान काफी लंबे समय से बंद चले आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी शिक्षक काफी लंबे समय तक अपने घर पर ही रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के प्राइमरी शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने दे दी है, जिसमें कि अब गर्मी की छुट्टी में क्वारंटाइन सेंटर में शिक्षकों का ड्यूटी देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगले आदेश तक सभी शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश होने की जताई संभावना। बिहार में मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत बिहार के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी होने की संभावना जताई है। खबरों की माने तो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी की हवा में आई रफ्तार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम होते हुए नागालैंड तक बनी ट्रफ लाइन बुधवार को पूरे प्रदेश को अपने दायरे में ले लिया है। इसकी वजह से प्रदेश में अगले 48 घंटे में बारिश होने के आसार है। आज से स्क्रूटनी के लिए मैट्रिक परीक्षार्थी कर सकते हैं आवेदन। बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट जारी करने के बाद मैट्रिक के परीक्षार्थी के लिए स्क्रूटनी का अवसर भी प्रदान किया गया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने 29 मई से 12 जून तक परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को आवेदन भरने का आदेश जारी किया है, जिसके लिए अब सभी छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। सिंगर वर्षा तिवारी लोगों को कर रही है जागरूक। बंद के बीच हर कोई किसी न किसी तरह से अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भोजपुरी प्लेबैक सिंगर वर्षा तिवारी भी नए अंदाज में लोगों को जागरूक करती नजर आ रही है। हाल ही में वर्षा तिवारी को सड़क पर सैनिटाइजर और मास्क लेकर निकलते देखा गया है। कोविड-19 को लेकर सड़क पर घूम घूम कर गाना भी गा रही है। खबरों की माने तो सिंगर वर्षा तिवारी को रोहतास के डालमिया नगर में गाते देखा गया है। सबसे खास बात यह है कि वह लोगों को जागरूक करने के लिए गाने का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि वर्षा की यह वीडियो जारी होने के बाद लोगों ने उनकी खूब सराहना भी की है। सुशील कुमार मोदी ने बिहार में श्रमिकों के पुराने नियमों में बदलाव की जरूरत पर दिया जोर। बंद के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है और अभी भी प्रवासियों का आना जाना जारी है। वहीं प्रवासियों के लौटने के दौरान कई अप्रिय वाक्यों का सामना भी करते हुए देखा गया है, जिसके लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 40 साल पुराने मजदूर कानून को जिम्मेदार बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियम में बदलाव की जरूरत है। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर एक्ट 1979 को कड़ाई से पालन कराया जाना जरूरी है। यह एक्ट के अनुसार प्रवासी मजदूरों को घर आने जाने के लिए रेल किराया देना और स्वस्थ होने पर इलाज दवा का खर्च वहन करना, साथ ही एक व्यक्ति के लिए 6.5 वर्ग मीटर क्षेत्र में आवास की व्यवस्था करना, पेयजल, शौचालय, स्नानघर और जाड़े में गर्म कपड़ा आदि का प्रावधान है।
मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम की होम डिलीवरी हुई शुरू। अपने वादे अनुसार डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम की होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अब तक 4400 किलोग्राम लीची का ऑर्डर प्राप्त हो चुका है और बुधवार से इसे भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे इस माध्यम से लगभग 1000 क्विंटल तक व्यापार किए जाने की संभावना जताई गई है, जिसकी जानकारी बिहार पूर्वी प्रक्षेत्र डाक महादेव अनिल कुमार ने बीते दिन दी है और कहा है कि मुजफ्फरपुर की लीची और फिर भागलपुर के जर्दालू आम को घर घर डिलीवरी के लिए डाक विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब बिहार कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी उतरे सड़कों पर। कोविड-19 के बीच बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर तंज कस रही है। इसी क्रम में बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा श्रमिकों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। वहीं उन्हीं के कदम पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी सड़क पर उतरने का फैसला किया था, जिसके तहत बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के मुख्य द्वार पर बैठे नजर आए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस माहौल में सबसे ज्यादा बुरा हाल प्रवासी मजदूरों का है, दैनिक भत्ता पर काम करने वाले लोगों का ही, किसानों का है और छोटे व्यापारी को है, और सरकार इन सब के लिए कुछ नहीं कर रही है। वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाने की जारी किया गया आदेश। वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाने का फैसला बिहार सरकार ने जारी किया है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसके बाद हर साल 3 जून को मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध समाजवादी राजनेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। म्यांमार के 22 नागरिकों को गया एयरपोर्ट पर रोका गया। भारत छोड़कर जा रहे म्यांमार के 22 नागरिकों को गया एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। यह सभी यात्री म्यांमार रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। खबरों की माने तो कुल मिलाकर 100 यात्री एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे, मगर 22 नागरिक को इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं होने के कारण एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। अब इन सभी को दिल्ली भेजा जाएगा, वहां से इमिग्रेशन क्लियर होने पर ही इन्हें आगे रवाना किया जाएगा। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में गांव की प्रतिभाएं आए सामने। कुछ दिनों पहले बिहार बोर्ड में मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा की गई थी, जिसमें शहरी विद्यार्थियों पर गांव के विद्यार्थी ज्यादा भारी पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहर के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से बढ़िया अंक प्राप्त किया है, जिसके तहत बेगूसराय में स्टेट टॉप 10 में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 2 छात्र शामिल हुए हैं। वहीं टॉप 5 में गांव के छात्र ने जगह बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। वहीं नवादा जिले के स्कूल के छात्र जो पहले बिहार टॉपर रह चुके थे, इस बार यहां का कोई भी छात्र टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया है। यहां तक कि बिहार बोर्ड टॉपर बना हिमांशु जनता हाई स्कूल तेनवज तेनाला का है। सासाराम में टॉप 10 में जगह बनाने वाले रोहतास के 2 छात्रों का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग में प्रवासी मजदूरों के द्वारा ट्रेन के किराए के रूप में किए गए भुगतान की राशि के अलावा 500 रुपए देने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग के लिए भी अहम लिया गया है। अनुपम कुमार ने सभी प्रवासी व्यक्तियों के बिहार आने की संख्या बताई। बीते दिन पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना सचिव अनुपम कुमार ने सभी प्रवासियों को वापस बुलाने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब तक कुल 13,684 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में कुल 12,38,041 लोग रह रहे थे, जिनमें से 5,79,908 श्रमिकों के क्वारंटाइन पूरा होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी फिलहाल 6,58,133 लोग ब्लॉक क्वारंटाइन में रह रहे हैं। दूसरे राज्य में फंसे लोगों को लाने का सिलसिला जारी है। जब तक वापस नहीं आ जाएंगे, तब तक सरकार शांति से नहीं बैठेगी। नगर निकाय के कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत। बिहार के नगर निकाय में काम करने वाले सफाई कर्मियों को पटना हाईकोर्ट ने राहत दी है, जिसके तहत राज्य सरकार की तरफ से सफाई कर्मियों को हटाए जाने का आदेश पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार का फैसला फिलहाल कुछ समय के लिए रोका जा रहा है, जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सूबे में 142 स्थानीय नगर निकायों में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं ग्रुप डी सफाई कर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को बहाल करने के लिए राज्य सरकार कुछ महीने पहले अधिसूचना जारी कर दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिहार पर्यटन विभाग ने आम नागरिकों की उड़ान के लिए बनाई योजना। अब आम नागरिकों को हेलीकॉप्टर की सवारी दिलाने के लिए बिहार पर्यटन विभाग में नई योजना बनाई है, जिसके तहत राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सुविधा देने की योजना बनाई है, जिससे कि अब पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सुविधा दी जाएगी। पर्यटन विभाग की तरफ से जारी की गई योजना की शुरुआत गया और राजगीर से की जाएगी, क्योंकि गया और राजगीर में हर साल भारी संख्या से पर्यटक आते हैं। इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग में प्राइवेट हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है, जिससे कि 1 जून को कंपनी पर्यटन विभाग से जानकारी ले सकती है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों की डाइट की हर ओर हो रही है चर्चा।
बिहार के बक्सर जिले के मझौली गांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले अनूप ओझा खाने को लेकर काफी चर्चा में बने हुए, क्योंकि अनूप अकेले 10 आदमी के बराबर खाना खाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर के अधिकारियों के माने तो नाश्ते में 3 दर्जन से अधिक रोटी, भोजन में 40 लिट्टी खाने के बाद ही अनूप का पेट नहीं भरता है, जिसकी खबर सुनते ही अधिकारियों ने खुद क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर इस बात का जायजा लिया है। अधिकारियों के सामने ही अनूप ने अपने भोजन से सभी को चकित कर दिया है। अधिकारियों के माने तो अनूप ओझा राजस्थान से बक्सर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन पर रखा गया था। बिहार कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की मांग। बिहार में बंद के बीच बिहार कांग्रेस की नई मुहिम की शुरुआत हुई है। बीते दिन से अपनी मांग को लेकर पार्टी सड़कों पर उतरी नजर आई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने कुछ मांग रखी है, जिसके तहत बिहार कांग्रेस ने मांग की है कि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर सभी लोगों के खाते में 10,000 डाले जाए। साथ ही बीते दिन सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर वीडियो के माध्यम से अपनी मांग को रखने का संकल्प पूरा करने का आदेश भी जारी किया गया था। SC ST में क्रीमी लेयर के विरोध में MLA ने की बैठक। बिहार में SC ST की क्रीमी लेयर के विरोध में MLA ने बीते दिन बैठक की है, जो कि मंत्री महेश्वर हजारी के आवास पर आयोजित की गई थी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मौजूद थे। इस बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक भी देखे गए थे। खबरों की माने तो कोर्ट की तरफ से जारी किए गए फैसले के खिलाफ सभी विधायक लामबंद है। साथ ही क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में इस बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सभी विधायकों द्वारा हर महीने 2,000 देने की बात कही गई है। एम आधार ऐप से अब आसानी से आधार कार्ड नंबर को कर सकेंगे वेरीफाई। आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए UIDAI की तरफ से जारी किए गए वेबसाइट पर आसानी से जाकर पता लगाया जा सकता है, जिसके लिए UIDAI ने ट्वीट कर बताया है कि आधार नंबर की जांच के लिए बस आप सभी UIDAI.gov.in पर जाकर उनके पास मौजूदा 12 डिजिट वाले नंबर को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए बस इस वेबसाइट पर जाकर माय आधार सेगमेंट के आधार सर्विसेज सेक्शन में वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। खुले पेज पर अपना आधार नंबर और वहां मौजूदा सिक्योरिटी कोड डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर आसानी से आधार नंबर की जांच की जा सकती है। फेसबुक अब जल्द ही टिकटॉक के मुकाबले में जारी करेगा शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप। टिकटॉक आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप बनकर उभरा है, जिसको ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने न्यू प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन टीम ने एक शॉर्ट वीडियो म्यूजिक मेकिंग ऐप की टेस्टिंग की है, जिसकी लॉन्चिंग जल्द किए जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि फेसबुक ने यह भी साफ कहा है कि यह सुविधा सिर्फ बीटा संस्करण ऐप में फिलहाल मुहैया करवाई जाएगी। वहीं दोस्तों के साथ मिलकर मिक्सिंग म्यूजिक वीडियो बना सकेंगे, साथ ही अपने खुद की वीडियो को एक साथ मिक्स और मैच कर पाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स के साथ मिलकर कई अन्य तरह के म्यूजिक वीडियोस को भी क्रिएट कर सकेंगे। भारत को 2 विश्व कप जिताने वाले शेखर नायक को है नौकरी की जरूरत। भारतीय टीम को 2 बार ब्लाइंड वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान शेखर नायक इस समय आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने खेल मंत्री किरण रिजिजू से स्पोर्ट्स कोटा के तहत जॉब की मांग की है, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। एक मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेरी सैलरी 25,000 है, जिसमें से मेरे घर का किराया 12,000 निकल जाता है। जैसे तैसे मैं अपने परिवार को मैनेज कर पाता हूं, इसलिए मुझे पद्मश्री की जरूरत नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में मुझे नौकरी की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते, शेखर नायक ने बेंगलुरु में साल 2012 के T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में और साल 2015 में साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रितेश कुमार, जितेश सिंह, शिव वर्मा, लवली वर्मा, विकास यादव, प्रमोद कुमार, राहुल कुमार, संतोष कुमार, लोकेश कुमार, सोनू कुमार, चंदन कुमार, प्रवीण कुमार, अनीश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मैट्रिक रिजल्ट पर शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र के अच्छे परिणाम का कारण आपके अनुसार क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।